कह रही थी कि ये जो भी नए परिवार आए हैं उनके लिए खासकर कि ये दिमागी बीमारियों का अस्पताल है, ठीक है। दिमागी बीमारियां जैसे एडिक्शन, नशे की बीमारी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, हेल्थ एंजाइटी, साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब दिमागी बीमारियों के नाम हैं, ठीक है। यहाँ आने से पहले और वैसे भी हमें दिमाग के अस्पताल में आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फैमिली को लगता है या किसी भी जन को लगता है कि हम कोई पागल हैं, हम पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जाएं। क्योंकि अभी भी आज की 21st सेंचुरी में भी, इस सदी में भी, दिमाग से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी समझ नहीं है लोगों को। या तो लोग समझते हैं कि ये कमज़ोर हैं, ये अपनी विल पावर नहीं यूज़ कर रहा, या ये जानबूझ के कर रहे हैं, या अपने मज़े के लिए नशे करते जा रहे हैं, ठीक है। जबकि हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट खुश नहीं होता, पेशेंट खुद भी तकलीफ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिवारों का बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमागी बीमारियों को समझना थोड़ा मुश्किल है, दिमाग को ही समझना मुश्किल है, हम दिमाग के बारे में इतना नहीं जानते। कैंसर, टीबी, डायबिटीज़, ये सब बीमारियाँ हमने सुन रखी है, पर दिमागी बीमारियाँ क्योंकि बदनाम है, लोग बेइज्जती करते हैं, तो जिस जिस घर में होती है वो छुपा कर रखते हैं, वो उसको किसी और चीज़ का नाम दे देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को कभी भी अवेयरनेस नहीं आती, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बैठ के हम, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास नशे वाले इंसान आते हैं, मतलब बैठे हैं आज, बट नशे की जो बीमारी है वो आदत नहीं है, लत नहीं है, वो एक बीमारी बन जाती है। क्योंकि जब जिस स्टेज में आप लोग हमारे पास आते हो, या तो लिवर ख़त्म हो रहा होता है, या पेशेंट का जो स्वभाव हो रहा है उसको भूलना, वो अजीब अजीब हरकतें करता है, किसी पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा शक होने लगता है, कुछ हमारे पेशेंट्स को चीज़ें दिखने लग जाती हैं, आवाज़ें सुनने लग जाती हैं, कुछ बहुत हद से ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, या फिर कुछ तो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, वो बिल्कुल परिवार से कट जाते हैं, अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, उनको उनके आसपास क्या औरत है उस असलियत का कुछ पता नहीं चलता, उनके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एहसास होना है, वो भी ख़त्म हो जाता है। परिवार को लगता है कि इसको हमसे प्यार नहीं है, ये जानबूझ के कर रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है, ये कोई जिम्मेवारी नहीं उठा रहा पेशेंट। तो ये सारी चीज़ें हम घर में, मतलब हमारे घरों में होने लग जाती हैं। तो ये एक दिमागी बीमारी है, और दिमाग शरीर का हिस्सा है। जैसे हम कैंसर, टीबी, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं, किडनी की प्रॉब्लम हो तो किडनी के हॉस्पिटल में जाते हैं, दिमाग की प्रॉब्लम हो तो आप दिमाग के हॉस्पिटल में आए हो। तो दिमाग शरीर का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, नर्सेस, इंजेक्शन, ड्रिप, ये सब लग रहा है, क्योंकि दिमाग हमारे केमिकल्स का बना है, दिमाग के कुछ हिस्से हैं जो काम करते हैं, जैसे लिवर कोई काम करता है ना, लिवर, पेट का कोई हिस्सा कुछ काम करता है, दूसरा हिस्सा दूसरा काम करता है, इसी तरह से दिमाग में ये मत वाला हिस्सा है, इंसानी दिमाग, और पीछे हमारा लिम्बिक सिस्टम, जानवर दिमाग, हम सब के अंदर ये दिमाग के हिस्से हैं। और दिमागी बीमारी में, दिमाग जब बीमार हो जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि उस पेशेंट की समझ बीमार हो जाती है। इसलिए यहाँ आने से पहले और यहाँ पर भी बैठे बैठे आप पेशेंट को समझाना बंद कर दो। अगर उसके बस की होती तो वो हॉस्पिटल में नहीं बैठा होता। इसलिए हमने समझाना नहीं है, इलाज करना है। अगर जिसकी समझ, अगर हमारे घर में सब परिवार के जो जन हैं, सदस्य हैं, अगर उनकी सबकी समझ ठीक हो तो घर में कोई कलेश होंगे, घर में कोई तकलीफ होगी। मगर हम कौन से परिवार यहाँ बैठे हैं जिनके घर में सुकून ख़त्म, शांति ख़त्म, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, हर टाइम डर लगा रहता है, बेचैनी लगी रहती है, इज्जत ख़त्म हो रही है, पैसा ख़त्म हो रहा है। तो ये घर वो घर होते हैं जिनमें दिमागी बीमारी का मरीज हो, और दिमाग इलाज से ही ठीक होगा, मनाने से,
जादू वादू जो फांडे इन सब चीज़ों में हम लग जाते हैं, आयुर्वेदिक दवा या शादियां कर देते हैं, भार भेजते देते हैं, काम शुरू करा देते हैं कि शायद काम शुरू कर देंगे तो उसका मन लग जाएगा। नहीं, हमने ये हमारे इलाज की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझनी कि हमारे पेशेंट की मत यानी समझ काम नहीं कर रही। क्योंकि हर फैमिली इतनी मीटिंग्स के बाद भी बोलती है वो मन पक्का करे ना, वो क्यों नहीं समझता, वो समझे तो सही। और हम यही समझा रहे होते हैं कि पेशेंट नहीं समझ सकता, ठीक है, क्या स्थिति है, किस बीमारी की वजह से है, बीमारी क्या है, इलाज क्या है। और एक हेल्दी परिवार हमारा जो टारगेट है, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, आप यही चाहते हो ना कि आपका परिवार खुशहाल हो, आपका परिवार सेहतमंद हो। तो उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो लाइफ की स्किल्स यहाँ पे सिखाई जाती है। जैसे कुछ दिन पहले हमने अटैचमेंट डिटैचमेंट की बात करी, जिंदगी में जिम्मेवारी लेना कितना ज़रूरी है फैमिली के लिए भी पेशेंट के लिए भी उसकी बात करी। हमने डर की बात करी कि हमारे घरों में हमारे घरों में इस बीमारी की वजह से कितना डर आ जाता है, दहशत आ जाती है, ठीक है। एक साइकेट्री की ब्रांच एस्पेक्ट होता है प्रिवेंटिव साइकेट्री। हम तो वो परिवार हैं जो अब बीमार हो चुके हैं, ठीक है, मगर हमारे घर में जो बच्चे हैं, हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे एडिक्ट्स के कल को बच्चे होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जीन्स, हमारे पिता पुरख की बातें, जीन्स, एनवायरनमेंट, घर का माहौल और हमारी पर्सनालिटी, ये तीनों मिलकर ये बीमारियां लाती हैं। यानी कि बचपन से ही जन्मांध्रु ही ये अंदर बीमारी बनना शुरू हो जाती है, नशे तो बाद में आते हैं। तो अगर चाइल्डहुड में बचपन में ही इन चीज़ों को पहचान लिया जाए कि हमारे पेशेंट के अंदर, हम लोगों के अंदर, हमारे स्वभाव में ऐसी कौन सी अनहेल्दी बातें हैं, ऐसे कौन से कैरेक्टर फ्लॉज हैं जिसकी वजह से कल को हमारा फैमिली मेंबर बीमार हो सकता है, तो उसमें काफ़ी मदद हो जाए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रॉमा ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि हमारे सबके घरों में साइकेट्रिक बीमारी है, ठीक है, हमारे घर का जो फैमिली मेंबर है दिमागी बीमारी की वजह से, बीमार होने की वजह से उसका जो स्वभाव हो जाता है, जो हमारे घर में लड़ाइयाँ होती है, तो उस घर में जो बच्चा होता है उस पर क्या असर पड़ता है। ऊपर से माँ बाप ही एक हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी देखते हैं, तो एक तरफ तो वो माँ बाप को देखता है लड़ता हुआ कि वो मार रहे हैं, उससे वो घबरा जाता है, और दूसरी तरफ वो इकट्ठे हो जाते हैं तो बच्चा कन्फ्यूजन में ही चला जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब जब वो बीमार है, अब जब घर में बीमारी है और लड़ाई हो रही है, तो वो बच्चा जिसका मूड ख़राब हो जाता है तो दादी कैसे आके कि तू खा ले तेरा मूड ठीक हो जाएगा, इस तरह से, क्योंकि हम कहते हैं बीमारी में आप समझेंगे बैठ के कि हर पर्सन को डोपामिन चाहिए, तो किस तरह से बाप अगर मूड ठीक कर रहा है शराब पी के, तो जो बच्चा है वो मूड ठीक कर रहा है पिज्ज़ा खा के, कल को शायद फूड उसकी एडिक्शन बन जाए, शायद जब भी वो परेशान हो वो खाना खाने लगे, या जब भी वो परेशान हो वो मोबाइल पे लग जाए तो मोबाइल उसकी एडिक्शन बन जाएगी। अब ऐसा ही बच्चा जब बाहर चला गया और वो उसका दोस्त उसको मिला, और अगर दोस्त कहे कि भाई तेरे घर से तो बड़ी आवाज़ें आ रही थी, तो शायद शर्म के मारे जो टॉक्सिक शेम आ जाए, पता नहीं उस चक्कर में वो पता भी पाए कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब जो दादी है वो समझा रही है जैसे हम सब घर में समझाते हैं, और वो मूड को ठीक करने के लिए बच्चे को इनेबल कर रही है, क्योंकि बीमारी कुछ और है, परेशान वो किसी और कारण से। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से किस तरह से हमारे घर के बच्चे बीमार हो जाते हैं। और आप यकीन मानिए यहीं से दिमागी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। और इसीलिए हम ये छोटा सा इनैक्टमेंट दिखाया कि कई बार हम जब देखते हैं तो हम रजिस्टर कर पाते हैं
क्या कोई भी इससे कोरिलेट कर पाया? और जो बड़े हो गए हैं बच्चे, वो भी, अब जो बड़े हो गए हैं, जो अपने फादर को लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से ये सब की हर चीज की शुरुआत हो जाती है। सो आइए सर से थोड़ा समझते हैं कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, जो बचपन में दहशत आ जाती है, ठीक है, वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों का रूप ले लेती है, डिसऑर्डर बन जाता है, और कैसे हम अपने बच्चों को हेल्दी वे में ब्रिंग अप कर सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं। जैसे ये फूड का दिखाया, मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था, जाहिर है मैं और मेरा हस्बैंड अक्सर हॉस्पिटल में ही रहते थे और मेरा बेटा घर पे अकेला होता था। तो अब जब बच्चा फोन करता था मेरे को कि जैसे मम्मी आज ना खाना नहीं घर में खाना, तो मुझे होता था हाय मेरा बच्चा बेचारा, मैं उसके पास नहीं हूँ, है ना, कितना बेचारा है ना, चल चल बेटा खा ले, कोई बात नहीं, तू बर्गर ऑर्डर कर ले। अच्छा, फिर दोबारा फ़ोन आता था, मम्मी आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, फिर वो अंदर की बाँ ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए, है ना, कि हाय बेचारा बच्चा अकेला है, हाँ कोई बात नहीं बेटा तू स्कूल मत जा। तो आप यकीन मानिए आज तक इन चीज़ों पे काम हो रहा है, चाहे मैंने अपनी ममता के उसमें आकर कर दी, या मुझे लग रहा था, पर कहीं ना कहीं बीमारी की वजह से मेरा बच्चा भी बीमार हो गया। तो किस तरह से इनेबलिंग, प्रोवोकिंग, ये ओवर कॉम्पनसेशन, किस तरह से ये चीज़ें हमारे घर में चलती हैं और हमें बड़ा होते होते तक ऑलरेडी बीमार कर देती हैं।